मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिकॉर्डिंग है। तुम्हें पास्ट ईयर जेई में बोथ मेंस एंड एडवांस में इसके सम्स मिलेंगे। इसे मैं तीन टाइप में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं टू वेरिएबल्स में दिखाऊंगा जो हम लोगों ने क्लास 10th में देखा है। उसके बाद इसको हम थ्री वेरिएबल्स नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में देखेंगे। ठीक है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली ये ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो तुम लोग अगर स्किप करना चाहते हो तो क्या क्या बताऊंगा जिसमें डाउट है उसमें देख सकते हो। और फिर से वही थ्री वेरिएबल्स मगर होमोजीनियस इक्वेशन में कैसे होता है। ठीक है, ये तीन दिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि तुम्हें दो इक्वेशन, जैसे टू वेरिएबल में अगर मैं तुमसे बात करूं, टू वेरिएबल में बोला जाएगा कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, इस साइड ही लेके आता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, प्लस सी वन इक्वल टू जीरो प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तरीका ये था कि तुम इसे एक्स, ठीक है, तो इसमें तीन केस आता था। सबसे पहले आता था कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन तब था अगर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। और वैसा होने से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक था जिसे हम लोग बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वाई बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन कहते थे। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स बाय मॉड ऑफ बी वन बी टू सी वन सी टू इज इक्वल टू वाई बाय मॉड ऑफ मॉड नो सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा बी टू ए टू सी टू ए वन सी वन इज इक्वल टू वन बाय ए वन बी वन ए टू बी टू। तो ये फॉर्म क्यों लिखा, ये फॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि इसी फॉर्म को तुम अभी देखोगे, इसे क्रैमर्स रूल कहते हैं। ये क्रैमर्स रूल है, ठीक है, उसी चीज को जब तुम ब्रेक करके करते थे तो इसे तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते थे। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। मेरे पास और कुछ था तुम लोग को अगर याद है तो, हाँ, नंबर सेकंड यूनिक सॉल्यूशन के साथ क्या आता था, ये ठीक है नीचे ही लिख देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन के साथ था तुम्हारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये सेम लाइन देगा। हाँ, ये तो स्ट्रेट लाइन था, इसका मतलब है कि लाइन किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब था ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू दे आर कॉन्ग्रुएंट लाइन। और एक पॉसिबिलिटी था क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, मतलब ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ठीक है, तो ये मैं सिंगल स्क्रीन में करा रहा हूँ क्योंकि देखो वो जो रिकॉर्डिंग वाला केस था वो उस केस के कारण कोर्स तुम लोग देख रहे हो कि मैं काफी दिन से मैं सोच रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग करने में, सम ढूंढने में, फिर उसे कोडिंग करने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दीबाजी में करके इसमें कोर्स एक बार खत्म कर देता हूँ। हाँ, जो जूम क्लास जैसा वाला था, फुल टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ तुम लोगों को, तो इसलिए लगातार कुछ अभी वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ आज शाम को फिर से। इसमें ज्यादा स्पीड में होता है चीजें, ठीक है, केवल दो घंटा खड़ा रहता हूँ तो दो घंटे में बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है इसमें। किसी को देखना है तो देखना, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ठीक है, तो इसे पॉज करके तुम लोग लिख लोगे, मैं फिर नीचे चल रहा हूँ। ठीक है, मैं जब ये एक लिखने का जब टाइम दूंगा तो एक दो तीन चार और ये पांच लाइन लिखते ही मैं नीचे चले जाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, ये इस जब जब मैं ये इस टाइप से जब क्रॉस दे रहा हूँ ना, तो यू विल पॉज इट समवेयर। हाँ, इसका मतलब है कि आई एम, मैं इसे अभी छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, जैसे पांच मैंने ड्रॉ कर दिया, मैं नीचे जा रहा हूँ, चलो। ठीक है, वो पॉज करके तुम लोग लिख लोगे लिखना है तो। तो ये तो सॉल्व, ये तो बच्चों वाला सम हो गया, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो,
एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, मैं जानता हूँ तुम सब लोग सॉल्व कर पाओगे, एक्स डिवाइड बाई फाइव टू जा टेन माइनस थ्री टू जा सिक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स वाई का निकाल के देख लेना। उसके बाद इसी में कभी कभी तुमसे पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाता है, मतलब तुमसे कभी ऐसा बोला जा सकता है कि फाइंड लैम्डा इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, लैम्डा x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या था, कंडीशन था ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू, लगा के देख लेना। तो थ्री बाय लैमडा इज इक्वल टू फोर बाय एट इज इक्वल टू फाइव बाय टेन, तो दोनों तो सेम ही है, तो लैमडा इज इक्वल टू सिक्स। चलो किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, समझ में आया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है जो लाइव नहीं हो रहा है। एक दो तीन चार, इस पांच होते होते तुम्हें पॉज कर देना होगा वीडियो को, क्योंकि ये पांच होते ही मैं नीचे चले जाऊंगा। चलो तो अब सॉल्विंग थ्री वेरिएबल, तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला वाला मेथड का नाम मैट्रिक्स मेथड है, जो हम लोग एंट्रेंस में रेयरली यूज करते हैं, और दूसरा वाले का नाम है क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल। तो दोनों ही बताता हूं, सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड बताता हूं। तो मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड क्या था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो होता है वो जस्ट सेट ऑफ कोफिशिएंट, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। उसके बाद तुम लोग वेरिएबल मैट्रिक्स निकालते हो, वेरिएबल मैट्रिक्स कैपिटल एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, और उसके बाद कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स या कांस्टेंट वेक्टर भी इसे कहा जाता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स इसे मैं बी मानता हूं, ये ए बी सी है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हम जानते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, एंड इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब ए इनवर्स एक्सिस्ट। अच्छा, ए इनवर्स निकालना यहाँ नहीं सिखाऊंगा, वो ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालूंगा। देखो सॉल्यूशन तब हो जाएगा, ए इस साइड आ जाता है तो ये बन जाता है ए इनवर्स बी। एक्चुअली में ए इस साइड नहीं आता है, अगर तुम्हें प्रूफ देखना है तो ये है कि ए एक्स इक्वल टू बी है और दोनों साइड हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिविजन तो अलाउड नहीं है मैट्रिसेस में, मगर एसोसिएटिव होने के कारण ए इनवर्स जब ए से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, तो इसलिए ये तुम्हें देगा आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो हेंस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, कि एज यूजुअल ध्यान, समझ में आया क्या है, ठीक है, ए बी सी का जो, और एक बार बता दूं, ठीक है, चलो, तो ये जो ए बी सी का जो, इसका जो कोफिशिएंट है उसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं, डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने ए बी सी लिख दिया तो तुम लोग को कंफ्यूज होगा स्टार्टिंग में, तो बी जो था वो डी वन डी टू डी थ्री था, सॉरी, हाँ, और वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। तो अगर पुट अप करके देखोगे तो ए एक्स इज इक्वल टू बी है, पुट अप करके देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए एक्स इक्वल टू बी, तो नॉर्मली एंट्रेंस लेवल में ये यूज नहीं होता है, बोर्ड लेवल में यूज होता है, मगर क्योंकि मैं सिस्टम सिखा रहा हूँ तो पहले इससे एक बार सिखा देता हूँ, ठीक है। तो एज यूजुअल एक दो
तीन चार पांच, किसी एक कॉपी में लिखोगे तो बेटर है, जो चीज नहीं जानते हो, जो जानते हो वो नहीं लिखने का जरूरत है। जैसे अब मैं तुम्हें कहता हूं कि सॉल्व मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 10, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10 और x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। मैं सॉल्ड एग्जांपल ले रहा हूं ताकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मल्टीप्लीकेशन में मेरा टाइम बर्बाद ना हो। तो यहां पे अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का बात करूंगा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, x का 2 1 2 क्या 2 माइनस 1 1 और 1 3 माइनस 1। कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x y z। और कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, मैंने इससे ऊपर वाले में वो गलत पहले लिखा दिया, बाद में करेक्शन कर दिया था, 0 10 5। ठीक है, तो समझ में आया क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो क्या, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो ए वन बी वन सी वन, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देंगे, डी वन डी टू डी थ्री ये तुम्हें कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स देता है। ठीक है, या इसे वैक्टर भी, जब सिंगल होता है तो उसे वैक्टर भी हम कहते हैं। तो अगर ए है तो ए इनवर्स निकालना है, तो उससे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ए तो तुम्हारे पास, तुम निकाल लोगे, ये 13 निकलेगा। मैं ये सब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, तो ए इनवर्स निकाल लो। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए अगर ए इनवर्स निकालोगे तो ये 1 बाय 13 ए इनवर्स तुम्हारे पास निकलेगा। वो मैं इनवर्स नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 3 माइनस 4 2 7 माइनस 5 माइनस 4। तो हेंस ए एक्स इज इक्वल टू बी था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। अब a इनवर्स का वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाल ही लिया, ये तुम्हारा a इनवर्स है। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, a इनवर्स हो जाएगा तुम्हारे पास 1 बाय 13 माइनस 2 3 7 7 माइनस 4 माइनस 5 3 2 माइनस 4। मैंने कुछ नहीं किया ये, और b तो तुमने निकाल के रखा ही है, तो b तुम्हारे पास हो जाएगा 0 10 और 5। तो हेंस इससे अब तुम्हें x का वैल्यू तब आ गया, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय 13 ये 85, ये माइनस 30, ये माइनस 70। पर x का मतलब क्या था, देखो x का मतलब क्या था, x का मतलब क्या था, x का मतलब x y z था। तो x y z इज इक्वल टू 1 बाय 13 को अंदर लेके चले जाता हूँ, तो 85 बाय 13 माइनस 30 बाय 13 माइनस 70 बाय 13। दोनों साइड कंपेयर करोगे, कंपेयर करने से तो फिर x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया 85 by 13। मतलब मैं उसमें क्या होता है ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे यहाँ पे मैं डायरेक्टली तुम्हें अपलोड करके दे दूंगा अभी। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे एडिटिंग करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसीलिए, और मैं अब उसमें वो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। जब स्टार्टिंग में कर रहा था उस वक्त का बात थोड़ा अलग था, उस वक्त ऑनलाइन नई क्लास लेने के कारण मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होता था। अभी देखो मेरा क्या कि गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम भेजना होता है, फिर तुम्हें असाइनमेंट सीट बना के देना होता है, तो ये अभी काफी कुछ, तो उसमें अकेला केवल वो वीडियो एडिटिंग इतना ज्यादा टाइम ले लेता है कि जिस दिन वीडियो एडिटिंग बनाता हूँ उस दिन कुछ और काम नहीं कर पाता हूँ, उस दिन केवल वीडियो एडिटिंग ही चलता रहता है। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है, फिर कैमरा शुरू का एक्सम करवा देता हूँ। चलो तो आगे चल रहा हूं। ठीक है, क्रैमर रूल देखो, ये अब यहां पे ध्यान से देखो। हाँ, सपोज तुम्हें ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, इसका प्रूफ मैं नहीं जा रहा हूं, हाँ प्रूफ मैं नहीं जा रहा हूं, केवल मैं इसका एल्गोरिथम दिखा रहा हूं कि इसका एल्गोरिथम क्या है। तो इसके एल्गोरिथम को देखो क्या है।
सबसे पहले डिटरमिनेंट डेल निकालो। डेल तुम्हारे पास कोफिशेंट है ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री। तो ध्यान से देखो, इसमें जो तुम लिख रहे हो ए वन ए टू ए थ्री, दिस इज नथिंग बट दिस इज कोफिशेंट ऑफ एक्स। बी वन बी टू बी थ्री जो है वो ये है, तो दिस इज कोफिशेंट ऑफ वाई एंड दिस इज कोफिशेंट ऑफ जेड। अब नया एक चीज डिफाइन करो, डेल एक्स। ये सब मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये सब मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं। डेल एक्स, डेल एक्स में क्या करोगे, ध्यान से सुनो, एक्स वाले चीज को हटा के कॉन्स्टेंट वाला चीज रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। एक्स मतलब एक्स हट जाता है, डेल एक्स का मतलब एक्स हट जाता है। तो ए वन ए टू ए थ्री के बदले क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये डी वन डी टू डी थ्री, फिर बी वन बी टू बी थ्री, फिर सी वन सी टू सी थ्री, ये डेल एक्स है। तो मुझे कोई बोलेगा डेल वाई, तब ऐसा क्या हो जाएगा, हाँ बोलो क्या होगा, y वाला हटेगा, नहीं क्या, डेल डेल x अगर ये हुआ तो डेल y में ये हटेगा। तो अगर ये हटेगा तो ये तुम्हारे पास a1 a2 a3 होगा, ये c1 c2 c3 होगा, मगर y का जो कोफिशिएंट था तुम्हारे पास b1 b2 b3, इसे हटा के तुम ये वाला टर्म यहाँ पे लेके आ जाओगे, तो ये हो जाएगा d1 d2 d3। और डेल z क्या हो जाएगा, a1 a2 a3, उसके बाद B1, B2, B3, और लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला C1, C2, C3 था, जिसे हटा के तुम क्या बना लोगे, D1, D2, D3। तो सॉल्यूशन जो होगा वो यहां से आता है, तब तुम एक रिलेशन लिखोगे, ये कुछ वैसा ही है जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते थे, X के नीचे डेल X, Y के नीचे डेल Y, Z के नीचे डेल Z, और वन के नीचे डेल। तो इससे फायदा क्या हो गया, अगर तुम इसमें और इसमें देखोगे तो इससे तुम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो जो डेल एक्स बाय डेल दिखेगा, वाई का वैल्यू निकाल सकते हो जो डेल वाई बाय डेल दिखेगा, जेड का वैल्यू निकाल सकते हो जो डेल जेड बाय डेल दिखेगा। तो हेंस तुमने एक्स वाई जेड निकाल लिया। अभी एक सम भी करवाऊंगा, मगर पहले इसे लिखना है तो लिख लो, ठीक है, ध्यान से देख लो, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा कहना है हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ए वन ए टू ए थ्री को रिप्लेस करके एक बार D1, D2, D3 ला रहे हैं, जिसका नाम define मैंने किया del x, वैसे ही del y, coefficient matrix को मैंने अलग-अलग तरीके से हटा दिया, एक बार x वाले को हटा, एक बार y, एक बार z को, और ये तो फिर cross multiplication method है, x by del x is equal to y by del y is equal to z by del z, तो hence x, y, z निकल जाता है। देखना है तो आराम से लिख लो इसको एक बार, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो फिर से as usual जो मैं कह रहा था, वन, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, आगे चल रहा हूं। सॉल्व, ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई प्लस टेंजेंट इक्वल टू फोर, फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू वन, 6x plus 9y minus 20z equal to 2, इसे सॉल्व करना है। तो बाय क्रेमर्स रूल, तो डेल का वैल्यू क्या होगा, डेल तुम्हारे पास होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स तुम्हारा यहां से निकल जाएगा 2 4 6। तुम लोग को अगर खुद सॉल्व करना है तो मेरा इसे पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करके देख लो, तो खेला ही खत्म हो जाएगा। एक असाइनमेंट सीट भी तुम लोग को मिलेगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन्हें असाइनमेंट सीट नहीं मिला है वो मुझे मैसेज कर दें। डेल एक्स, अब डेल एक्स में क्या था, डेल एक्स में हमारे पास था कि इस वाले को हटा के मैं ये वाला लेके आऊंगा, तो ये वाला अगर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो ये 4 1 2 हो जाएगा। अच्छा मैं ये डिटर्मिनेंट मैं निकाल के टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तब तुम लोग बोर हो जाओगे। इस डिटर्मिनेंट का अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो ये 600 आता है। डेल वाई क्या होगा, डेल वाई में क्या करोगे, डेल वाई में तुम बोलोगे सर इसे हम रिप्लेस करेंगे, वेरी गुड, तो ये 2 4 6 हो जाएगा, 3 - 6 10 को तुम रिप्लेस करके 4 1 2 बनाओगे, 4 1 2 4 4 1 2, और उसके बाद 10 5 - 20, ये जब ब्रेक करोगे तो ये 400 हो जाएगा। और डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल जेड तुम्हारे पास
246 लास्ट वाला कॉलम रिप्लेस करोगे, किसको रिप्लेस करोगे, इसे जब तुम रिप्लेस करोगे तो ये 412 हो जाता है, जिसका वैल्यू 240 होता है। तो हेंस तुम्हें क्या मिला, x by del x is equal to y by del y is equal to z by del z is equal to 1 by del। सबका वैल्यू डाल दो, del x का वैल्यू 600 है, del y का वैल्यू 400 है और del z का वैल्यू 240 है is equal to 1 by del का वैल्यू 1200 है। तो जब कंपेयर करोगे इसको और इसको, तो x का वैल्यू 2, इसको और इसको तो y का वैल्यू 3 और इसको और इसको करोगे तो z का वैल्यू 5। हेंस द सॉल्यूशन। ये आसान है हाँ, तो इसलिए देखना है तो देख लो। बोर्ड लेयर में नॉर्मली ये नहीं लगाया जाता है, एंट्रेंस लेयर में ये रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये था सॉल्विंग। हाँ, मगर तुम जब पास्ट ईयर के कलेक्शन में देखोगे तो सॉल्विंग वाले सम्स कम आते हैं, जो सम्स आते हैं वो पैरामीटर वाले आते हैं। तो फिर एज यूजुअल मैं तुम लोग को अगर लिखना है तो इस जब तक ये 5 नहीं होता उससे पहले इसे पॉज कर दो, क्योंकि ये जैसे 5 हो जाएगा मैं नीचे चले जाऊंगा। अब फाइंडिंग पैरामीटर्स कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब ये नहीं, वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट में कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट में वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर अभी तक आपने यहाँ पे मुझे यूनिक और इनफाइनाइट का नहीं बताया, ठीक है अब मैं बता रहा हूँ वो चीज। ठीक है, सपोज ऊपर वाले इक्वेशन में जब तुमने लिखा x by del x is equal to y by del y, ठीक है इस वाले इक्वेशन में अगर सब जब हमारे पास a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 और a3x plus b3y plus c3z equal to d3 में, जब तुम लोगों ने ये लिखा कि x by del x is equal to y by del y is equal to z by del z is equal to 1 by del, तो इसमें कोई ऐसा COT नहीं है कि del will 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए तुम x का जब वैल्यू लिखते हो तो ये del x by del होता है, y का वैल्यू लिखते हो तो ये del y by del होता है और z का वैल्यू लिखते हो तो ये del z by del होता है। तो पहला एक कंडीशन आता है कि अगर del ही नॉन जीरो हो जाए, ठीक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स डेल अगर नॉन जीरो हो गया तब तो एक्स वाई जेड हर समय निकाल लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर नॉन जीरो है तो ऊपर में क्या है उससे क्या वैल्यू जाता है, क्योंकि तुम हर समय निकाल सकते हो। तो एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट होने के कारण तुम कहोगे यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट का केवल यही एक कंडीशन है कि डेल को नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। कई किताबें डेल इज इक्वल टू जीरो को डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखता है, जो गलत है। डेल इज इक्वल टू जीरो होते ही डायरेक्टली कैन नॉट बी सेट, तुम मुझे डायरेक्टली मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो क्या बोलूंगा, डेल इक्वल टू जीरो में मैं दो चीज देखूंगा। एक चीज देखूंगा कि अगर डेल जीरो है और एटलीस्ट वन ऑफ, ठीक है इसे इस जगह कम हो जाएगा मेरा, मैं व्हाइट बोर्ड में ऐसे लिखता हूं, यहां पे इसे दो ऑप्शन में डालते हैं। ऑप्शन ए हाँ, डेल जीरो है और एटलीस्ट वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज नॉन जीरो, कोई भी एक अगर नॉन जीरो, सपोज डेल जेड नॉन जीरो है तो ये सपोज डेल जेड का वैल्यू 5 है, मगर डेल तो जीरो है तो जेड का वैल्यू 5/0 तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है प्लस माइनस जो भी बोलो, मगर तो इसका मतलब है तो वो फाइनाइट नहीं है। तो अगर ऐसा है कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज नॉन जीरो और डेल जीरो, तो तब तुम डायरेक्टली बोलोगे दैट सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है तुम्हारे पास, इस सिस्टम का, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। अब
अगर डेल जीरो है, डेल एक्स भी जीरो है, डेल वाई भी जीरो है, डेल जेड भी जीरो है। अब बहुत किताबें क्या कहता है, क्योंकि 90% टाइम जब ऐसा होता है तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो कॉपी किताब लिख देता है इट इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मगर वो गलत है। हाँ, यहाँ पे भी कैन नॉट बी सेड डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता हूं, तो क्या करूंगा मैं बता रहा हूँ। ये मुझे दो केस दे सकता है, या तो ये मुझे इनफाइनाइट कंडीशन केस देगा, या तो ये नो सॉल्यूशन का केस देगा। करते क्या है इसमें, पुट जेड इज इक्वल टू के, जेड को एक कॉन्स्टेंट पुट अप करके सॉल्व वन एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। अब जब तुम जेड को के डाल देते हो तो तुम्हारे पास क्या आया, तब तुम्हारे पास आया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू डी वन माइनस, क्योंकि अब तो वो कॉन्स्टेंट के तो वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा, के पैरामीटर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो पैरामीटर नहीं है, मगर वो वेरिएबल की तरह, तो इससे सॉल्व करके अब तुम एक्स वाई और जेड तो के है, ये सबका वैल्यू निकाल सकते हो। अभी तक तुमने थर्ड इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है, यूज नहीं किया है, तो अगर ये वाला, अगर ये जो वैल्यूज तुम्हें मिला, ये जो ट्रिपलेट तुम्हें मिला, अगर ये सेटिस्फाइज थ्री करता है, सेटिस्फाइज इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री था हमारे पास ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री, तो देखो के को तुम जैसे जैसे अलग अलग वैल्यू डालोगे तो सबका वैल्यू चेंज होगा, के वन हो सकता है तो अलग वैल्यू आएगा टू थ्री के लिए, तब तुम कहोगे कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये इफ इट डज नॉट सेटिस्फाइज के, डज नॉट सेटिस्फाइज थ्री, तब बोलोगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज को समझो, तो क्या क्या करना होगा, समझ में आया क्या? ठीक है, फाइंडिंग पैरामीटर जब बोलेगा, तो डायरेक्ट सॉल्व करने वाला बात जब नहीं आता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वैल्यू इससे और इसके हेल्प से हमने इस वाले को निकाल लिया, ये तो समझ में आ गया, ये क्रैमर्स रूल है। अब नीचे वाला डेल अगर तुम्हें जीरो मिल जा, नॉन जीरो मिलता है, तब तुम्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तब नॉन जीरो मिलने के कारण ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। मगर वही अगर तुम डेल को जीरो डाल देते हो तो एटलीस्ट वन ऑफ, और इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, तो ये थ्री बाय जीरो जैसा हो जाएगा, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए अगर डेल जीरो और एटलीस्ट वन ऑफ डेल एक्स इज नॉन जीरो, तो तुम कहो इट कैन नॉट बी, ठीक है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जब ये होगा तो तुम कहोगे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। जब ये होता है तो कैन नॉट बी सेड डायरेक्टली, एक्स और वाई का वैल्यू जेड को के डाल के निकाल लो, अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन है। किसी को लिखना है तो लिख लो, हो सकता है कि मैं इसलिए एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और मैं पांच काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग पॉज करके लिख लो यहाँ तक, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ और फिर अब मैं यहाँ पे भी फाइव काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहां तक लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब मैं नीचे जा रहा हूं कि कैसे क्या किया जाएगा। चलो चलो शुरू कर रहा हूं। प्रॉब्लम तो ये जो, ठीक है, वो इफ डेल इज इक्वल टू जीरो के कुछ सम्स को करवा रहा हूं। प्रॉब्लम जैसे सॉल्व एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू सेवन, ठीक है। इस वाले में जब तुम डेल का वैल्यू निकालोगे तो वन वन वन, वन टू थ्री, वन थ्री फाइव जीरो है। जब डेल एक्स निकालोगे, निकाल सकते हो, वो भी जीरो निकलेगा, डेल वाई भी जीरो निकलेगा और डेल जेड भी जीरो निकलेगा, तो सब जीरो निकल गया।
ठीक है, वो तुम लोग निकाल के देख सकते हो, सब इसमें जीरो निकल जाता है। डेल एक्स का मतलब 11 को हटा के 147 ला के देख लेना। तो अभी तुम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे, मैंने कहा था कि ऐसे के लिए अब क्योंकि तुम्हें एवरीथिंग इज जीरो, तो लेट जेड इज इक्वल टू के डाल दो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में। ये मेरा स्टेप वन है, हाँ स्टेप वन है, स्टेप वन हो गया। अब मैं स्टेप टू में आ रहा हूँ, तो मेरा स्टेप टू क्या, पुट जेड इज इक्वल टू के इन 1 एंड 2। तो अगर जेड इज इक्वल टू के पुट अप करोगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड को दूसरे साइड लेके आ जाता हूँ, तो 1 माइनस के, और एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 के। अब इसको तुम सॉल्व करना, वो तुम्हारा काम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जैसे भी सॉल्व करो 4 और 5 को। तो सॉल्व 4 एंड 5, जब तुमने 4 एंड 5 को सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास के माइनस टू आया और वाई का वैल्यू 3 माइनस 2 के, जेड को तो तुमने के ले लिया। अब ये सॉल्यूशन है या नहीं कह सकते क्योंकि तुमने अभी तक केवल 2 ही इक्वेशन यूज किया, 1 और 2, तीसरा कहाँ गया, तीसरे को भी यूज करना है। तो अगर तुम्हें तीसरे को यूज करना है तो पुट इन 3, तो पुट इन 3 अगर ये वाले ये सबको अगर 3 में पुट अप करोगे x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7 में, तो x के बदले ये k माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3, y के बदले 3 माइनस 2k प्लस 5z के बदले k इज इक्वल टू कितना 7, तो k 3 k माइनस 2 प्लस 3 9 माइनस 6k प्लस 5k इज इक्वल टू 7, तो हेंस 0 इज इक्वल टू 0। तो हेंस इसका मतलब हो गया, ये जो ट्रिपलेट है, ये जो ट्रिपलेट है x के बदले k माइनस 2 3 माइनस ट्वाइस के और के सेटिस्फाइज 1, 2 एंड 3, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और के तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो के को जैसे जैसे वेरी करोगे ये पैरामीटर वेरी होता जाएगा, तो दिस इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब मैं इसे जरा 3D के टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम जानते हो कि 3D के टर्म में, ध्यान से सुनो, हाँ लिखना है तो पहले यहां तक लिख लो, पहले यहां तक एक बार लिख लो, 1, पॉज करने का ये है 2, पॉज कर दो 3, 4, 5। तो ये जो 3 तुमने निकाला, ये 3 क्या, ये जो 3 है ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, ये जो है ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, नहीं क्या, ax plus by plus c। तो प्लेन के लैंग्वेज में क्या हुआ, प्लेन के लैंग्वेज में मतलब है कि यहाँ पे तुम्हें 3 प्लेन जो दिया हुआ है, ये 3 प्लेन एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, ये 3 प्लेन है। 3D के लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो ये x प्लस 3y प्लस 5z, ये प्लेन नंबर 3 था, प्लेन नंबर 1 जो तुम्हारे पास था वो था तुम्हारे पास x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, नहीं क्या, और ये प्लेन नंबर 2 था। तो तुमने क्या किया, तुमने देखो क्या किया, सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने ये येलो वाला जो प्लेन है और ये ब्लू वाला जो प्लेन है, ये प्लेन को सॉल्व करके तुमने इसका इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अभी तक तुमने थर्ड प्लेन को यूज नहीं किया, तुमने ये दोनों को सॉल्व करके क्या किया, तुमने इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ये अब तुम चेकआउट कर रहे हो कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो रेड वाला जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर वैसा केस है तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि अब वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो कौन सा होगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक फॉर्म में इसे चेंज नहीं कर सकते हो, 3 माइनस 2k, अगर स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोगों ने 3D में जो पढ़ा है, इसे x माइनस 2/1 इज इक्वल टू k, ये y माइनस 3/-2 इज इक्वल टू k और ये z इक्वल टू k। तो ये रेड वाला जो ये जो सॉल्यूशन लाइन है, इस सॉल्यूशन लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, तब ये हो जाएगा x माइनस 2/1। तो इसे तुम 3D के टर्म में भी सोच सकते हो, इज इक्वल टू जेड माइनस 0/1। तो ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन लाइन हो गया, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से तुम सॉल्यूशन लाइन भी निकाल सकते हो, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं पे डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो, मैं दोबारा तुम्हें बता दूंगा। 5 बार मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। तो सर नो सॉल्यूशन क्या था, नो सॉल्यूशन का मतलब जानते हो क्या था, नो सॉल्यूशन का मतलब था या तो तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ ऐसा पैरेलल प्लेन दे देगा, ठीक है। अब जैसे ये पैरेलल प्लेन है, ठीक है, तो अब इसका इक्वेशन अगर है, सपोज ये x plus y plus z equal to 1 है, तो ये x plus y plus z equal to 2 है, ये x plus y plus z equal to 3 है। तो जब इसमें तुम देखोगे तो del is equal to del x is equal to del y is equal to del z is equal to 0 आ गया, ठीक है। मगर देखो ये तीन प्लेन कभी भी कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हेंस ये वाला तुम्हें नो सॉल्यूशन देता है, सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेन हो जाता है।
तो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। ये एक एक केस है, और भी केसेस हो सकते हैं सिस्टम ऑफ एरोप्लेन, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और इससे पैरेलल, ठीक है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन है और इससे पैरेलल यहाँ पे एक प्लेन हो सकता है, तब भी वो इसे, ठीक है, प्लेन अगर लाइन के पैरेलल हो जाए, ये प्लेन अगर इस लाइन के पैरेलल हो जाए, और तब तो वो इसे इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगा ना, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया, अगर वो तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नो सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये लिखना है किसी को, लिख लो तब, 1 2 3 4 5 आगे चल रहा हूँ। ये 5 का मतलब है मैं 5 मिनट रुक रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग मुझे पॉज कर दोगे, और मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। तो हम लोगों ने, तुमने जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखा, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे तुम एक्स एक्सिस बनाते हो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तुम्हें। ये एक प्लेन, ये एक प्लेन नहीं हो सकता कि ये एक ऐसा प्लेन है, तो ये प्लेन तो एक ही पॉइंट में मिल रहा है, तो इसका सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे कहते हो, या अभी जो तुमने देखा इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस दोनों, ये दोनों को ही कंसिस्टेंट कहा जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अब ऐसा नहीं कि यूनिक सॉल्यूशन, मगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो उसे हम नॉन कंसिस्टेंट कहते हैं, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब वो नॉन, वो मतलब मीनिंगलेस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं फिर से वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट प्रॉब्लम। फॉर What value of lambda the equation twice x plus 3y minus 8 equal to 0, 7x minus 5y plus 3 equal to 0, 4x minus 6y plus lambda equal to 0 are consistent solution। तो चलो शुरू कर। तो सबसे पहले तो डेल का ही वैल्यू निकालो, डेल मतलब कोफिशिएंट, तो क्या हो गया 2 3 -8, नहीं क्या समझ में आ ही रहा होगा। फिर यहां से क्या लिखोगे, 7 -5 3, यहां से 4 -6 lambda, और जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा -31 lambda + 248। तो डेल अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 8, और अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 8 हुआ तो ये इट विल गिव यू यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट है। अब तुम लोग बोलोगे ठीक है सर, पहला केस तो ये, तो दूसरा केस ये हो गया कि अगर लैम्डा जीरो तो नहीं, लैम्डा जीरो तो क्या क्या केस हो सकता है, लैम्डा जीरो तो दो केस हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 8 को अब यहाँ पे अब तुम्हें एनालाइज करना होगा, एनालाइज तुम डायरेक्टली नहीं कह सकते हो। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 8 डालते हो तो, मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये 3 × 3 है ना, ठीक है, चलो ठीक है, मैंने ध्यान से दी, यहाँ पे ये दो वेरिएबल ही है, x और y दो वेरिएबल ही दिया है ना इसमें। चलो 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है, तो चलो ये पैरेलल, ये लाइंस के कॉन्सेप्ट से हो रहा है ये, तो ये -8 = 0, मगर जब तुम लैम्डा इज इक्वल टू 8 देखोगे तो थर्ड इक्वेशन भी तो यही हो जा रहा है, देखो ना, थर्ड इक्वेशन भी तो यही हो जा रहा है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जा रहा है, 4x - 6y + 8 = 0, ओ नहीं सेम नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें तो जेड का वैल्यू आता नहीं है, इसमें तो एक्स और वाई दो ही वैल्यू दिया हुआ है, इसमें एक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है, वाई का वैल्यू 2, और ये इसे पुट अप करके देखो, क्योंकि इसमें तो जेड है नहीं, तो डायरेक्टली एक्स वाई निकल गया, क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 4 - 6 = 12, हाँ सेटिस्फाई, तो 1, 2, 1, 2 क्या कर रहा है, 1, 2 सबको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज, तो हेंस इट हैज, यहाँ पे भी तुम्हारे पास यूनिक सॉल्यूशन ही आया, तो कंसिस्टेंट, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लिखना है तो लिख लो, किसी को फिर से वही वाली बात है, ठीक है, ये 3, 2 × 2 में हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, चलो ध्यान से देखो, 2 × 2 है, मैं 3 × 3 में आ रहा हूँ, चलो आगे चलते हैं। चलो प्रॉब्लम, मैं डायरेक्टली एनालाइज लिख रहा हूं, ठीक है, एनालाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होने वाला है तुम्हें एनालाइज करना है, प्लस 4z = 3, x + 2y - 3z = -2, 6x + 5y + λz = -3। चलो तो सॉल्यूशन शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लो, 3, x का कोएफिशिएंट 1, 6 है, y का -1, 2, 5 है, z का 4 - 3 λ है, इसे जब ब्रेक करोगे तो 7λ + 5 आएगा, तो पहला केस तो खत्म ही हो गया, अगर λ≠0 हो, मतलब यहां से λ≠λ, अगर नॉट 5 है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कोई बोलेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। चलो सेकेंड केस में चाहते हैं, अगर δ = 0 हुआ, मतलब अगर λ - 5 हुआ, अगर λ - 5 हुआ तो ये सिस्टम कैसा चेंज होगा, सिस्टम, अब तुम्हारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लैम्डा केवल एक ही जगह है, वो 33rd वाले में है, बाकी सब सेम होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन तो तुम्हारे पास यही होगा, +4z = 3, दूसरा वाला यही होगा, x + 2y - 3z = और लास्ट वाला जो होगा वो होगा 6x + 5y - 5z = -3। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, मगर दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए अब तुम वही वाला तरीका, इसके लिए अब जो तरीका है वो ये तरीका है, क्या मैं डायरेक्टली अभी कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं जेट का वैल्यू के डाल देता हूं, अगर जेट का वैल्यू के डालूंगा तो 1, 2 और 3, तो 1 से मेरे पास निकलेगा 3x - y = 3 - 4k, 2 से मेरे पास निकलेगा x + 2y = -2 + 3k, इसे सॉल्व करके तुम x का वैल्यू निकाल लेना, y का वैल्यू निकाल लेना, z का k, अगर ये
थर्ड वाले को सेटिस्फाई करेगा जो करता है वो निकाल के तुम देख लेना, सेटिस्फाइज थ्री, तो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और एक तरीका है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पता करने का, पहले यहां तक किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, अगर तुम इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे अल्टरनेट, कभी कभी ये भी कर सकते हो, अगर कभी भी कोई भी एक इक्वेशन दूसरे दो इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आ जाता है तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। मतलब मेरा कहना है कि अब वो तुम्हें जरा देखना होगा, तुम्हें माइनस थ्री चाहिए तो माइनस थ्री चाहिए तो एक काम करते हैं, या ये सिक्स है वो तुम्हें चेकआउट करके देखना होगा, कि तुम एक काम करो कि तुम इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो इक्वेशन वन के साथ, क्या होगा? तो इसे अगर तुम, मेरा कहना है इसको तुम पहले थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड प्लस टू प्लस इक्वेशन वन के साथ ऐड कर दो, तो थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, ये सिक्स एक्स हो जाएगा, थ्री टू जेड सिक्स वाई माइनस वाई प्लस फाइव वाई हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर माइनस माइनस फाइव जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री। और ध्यान से देखो विच इज इक्वेशन थ्री, विच इज इक्वेशन थ्री, इसका मतलब है कि वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन एक्सप्रेस, अब ये चीज तुम्हें सोचना होगा कि किससे मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, वी कैन एक्सप्रेस इक्वेशन थ्री एज, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन वन, समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के टर्म में तुमने डाल दिया, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तब डायरेक्टली कहोगे इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब इसका मतलब है कि प्लेन जो है वो हर समय किसी एक सिंगल लाइन में इंटरसेक्ट करेगा हर समय। अगर अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा आ जाता है, अगर ऐसा आ जाता है, ये अगर इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इसका नाम पाई वन दे देता हूँ, इसका नाम पाई टू, पाई वन इक्वल टू जीरो, पाई टू इक्वल टू जीरो और पाई थ्री, तो हर समय अगर ऐसा है तो पाई थ्री कैन बी एक्सप्रेस एज हर समय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पाई वन एंड पाई टू हर समय। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ए टाइम्स ऑफ पाई वन प्लस बी टाइम्स ऑफ पाई टू विल गिव यू पाई थ्री। अब ए भी निकालना तुम्हारा काम है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में ये तो थोड़ा रिलेटिवली यहाँ पे माइनस टू थ्री था तो पता चल रहा है, मगर कई बार तुम्हें जब नहीं पता चलेगा तो इसमें काफी टाइम चला जाता है, इसलिए मेरा कहना है कि मेथड वन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ये मेथड वन, पर मेथड टू भी कभी कभी अगर डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट करके होता है तो अल्टरनेट मेथड भी लगा सकते हो। तो किसी को लिखना है तो ये अल्टरनेट मेथड के लिए लिख दो, मैं फिर से कुछ देर के लिए वेट करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, एक फाइव सेकंड्स के लिए तो वेट कर ही लेता हूँ। हाँ, मतलब वो फाइव सेकंड को तुम्हें पॉज करके फाइव मिनट बनाना होगा, इतना मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे चल रहा हूं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हैंस यहां पे हर एक मतलब ऑप्शन में तुम ऐसा लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा। चलो एनालाइज ट्वाइस एक्स प्लस पी वाई प्लस सिक्स जेड इक्वल टू एट, x प्लस टू वाई प्लस क्यू जेड इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर, फॉर
यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। किसी को सम लिखना है तो लिख लो, 5 सेकंड्स दे रहा हूं। 5 सेकंड मतलब तुम्हें रुक देना होगा, हाँ 5 सेकंड को तुम वो तुम लोग बना दोगे इसको। मैं अपने लिए एक 5 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, ठीक है? 5 सेकंड में नहीं लिख पाओगे, मुझे मालूम है। सॉल्यूशन वो तुम मुझे ब्रेक कर दोगे, हाँ रोक देना। चलो आगे चलते हैं, सम थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? और इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड में आना चाह रहा था, मगर व्हाइट बोर्ड में बहुत ज्यादा व्हाइट बोर्ड, जिस दिन मैं व्हाइट बोर्ड ट्राई कर रहा हूँ उस दिन मेरे बाकी क्लासेस कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसीलिए एक बार इसमें कोर्स खत्म कर दूं, मेरा माथा पगला हो रहा है कि मैं कुछ छोटे छोटे चीजें अभी तक मैंने तुम लोग को नहीं पढ़ाया। जब तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये P-2 × Q-3 होता है, सॉरी डेल एक्स नहीं डेल, ठीक है? ये डेल, ठीक है? तो डेल ये हो गया, ओके। तो ये तो जीरो पॉसिबल है, मुझे मालूम है कब कब हो सकता है। तो वैसे ही मैं डेल एक्स निकाल लेता हूँ, तो डेल एक्स में क्या होगा, डेल एक्स में 211 को छोड़ के तुम 854 डाल दोगे, 854। तो ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू ही लिख रहा हूँ। तो डेल एक्स का जो वैल्यू हो जाता है वो तुम्हारे पास जीरो आ जाता है अगर ब्रेक करोगे। अगर डेल वाई लिखोगे इसी टाइप से ब्रेक करोगे तो जीरो हो जाता है, और जब डेल जेड भी लिखोगे तो डेल जेड भी जीरो हो जाता है। तो चलो क्या क्या मिला इसका मतलब तुम्हें मिला, डेल का वैल्यू क्या मिला, तो डेल का वैल्यू मुझे मिला P-2 × Q-3। तो अगर ये नॉन जीरो हुआ, मतलब अगर P इज नॉट इक्वल टू 2 हुआ और Q इज नॉट इक्वल टू 3 हुआ, तब तो डेल नॉन जीरो हो जाएगा और तब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, P इज नॉट इक्वल टू 2, Q इज नॉट इक्वल टू 3। 5 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए, 5 सेकंड मतलब रुकना होगा तुम लोग को, हाँ 1, 2, 3, 4, 5 मुझे रोक देना होगा, वो पॉज करना होगा तुम लोग को। अब आगे चल रहा हूं नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों केस में, ठीक है? अगर P का वैल्यू 2 है, ये सर कहां से सोचो, इसका फैक्टर, इसमें क्या क्या फैक्टर मिला, इसका फैक्टर तो 2 ही होगा ना, या तो P 2 होगा या तो Q 3 होगा। अगर P 2 हुआ तो क्या आया, तब डेल 0 हुआ, डेल x 0 हुआ, डेल y 0 हुआ, डेल z 0 हुआ। डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हो, तुम्हें P का वैल्यू 2 डालना होगा। तो P का वैल्यू अगर तुम डालोगे तो तुम्हारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा 2x + 2y + 6z = 8, x + 2y + qz = 5 और x + y + z = 4। अब तुम लोग ध्यान से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो क्या हो रहा है, क्या ये दोनों सेम इक्वेशन नहीं है? जब तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो दे आर आइडेंटिकल। अगर मैं इसे डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मतलब मुझे केवल 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा। एक मिलेगा cos इक्वेशन नंबर 3, क्यू के बारे में मुझे नहीं मालूम है, और एक मिलेगा x + y + z। ये कभी भी पैरेलल प्लेन्स नहीं होंगे, इसे तुम हर समय सॉल्व कर सकते हो, दे आर नॉन पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन का कंडीशन था कि a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 हो, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे q हो रहा है, तो ठीक है, और ये 5/4 हो रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हेंस सीरियस है, तो हैंस तो ठीक है, तो इससे क्या बोल सकते हो, इससे P is equal to 2 में तो it will give you infinite many solution। उसके बाद चलें, डेल एक्स मैंने गलती लिखा, एक्चुअली डेल एक्स ये नहीं है, डेल एक्स तुम्हारे पास कुछ अलग आता है, ये Q × P-2 आता है, Q × P-2 आता है। चलो
अगर क्यू इज इक्वल टू थ्री करोगे तो तब डेल एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास थ्री टाइम्स ऑफ पी माइनस टू होता है, मगर पी अगर टू नहीं है तो, क्योंकि पी टू वाला केस तो डेल एक्स नॉन जीरो हो गया, तो तुम्हें मिला डेल इज इक्वल टू जीरो अगर क्यू इज इक्वल टू थ्री लेते हो मगर डेल एक्स नॉन जीरो, तो ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन आ जाता है। मैं दोबारा थोड़ा करेक्शन बता रहा हूँ इसे, जब तुम करोगे तो ये क्यू टाइम्स ऑफ पी माइनस टू आता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो पी ये क्यू, ये मैंने गलती कर दिया, हाँ वो चेकआउट करके देख लेना, लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ऊपर वाला चीज, कैलकुलेशन वही देखो प्रॉब्लम हो जाता है कैलकुलेशन गड़बड़ करने से, चलो लिखना है तो लिख लो, चलो देखता हूँ। आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, हाँ चलो। एनालाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, ट्वाइस एक्स प्लस फाइव वाई प्लस प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर्टीन, इसे एनालाइज करना है। चलो तो अगर इसे एनालाइज करना है तो सबसे पहले डेल एक्स का वैल्यू निकालो, सबसे पहले डेल का वैल्यू निकालो, वो तब तुम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल ही लोगे। डेल तुम्हारे पास 8 माइनस 1 1 1 2 5 ए 1 2 3, तो ये 8 माइनस ए आता है, डेल है। डेल एक्स ट्वाइस ए माइनस बी प्लस 20, डेल वाई माइनस एट ए प्लस ट्वाइस बी माइनस डेल जेड 36 माइनस बी। तो सबसे पहला केस लेता हूं, अगर डेल नॉन जीरो है, डेल का मतलब ये नॉन जीरो है, तो क्या बोलोगे, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 8 तो यूनिक सॉल्यूशन। आगे चलते हैं नंबर टू, अगर डेल जीरो है तो ए का वैल्यू 8, अगर ए का वैल्यू 8 तो डेल एक्स का वैल्यू 8 टू 16, 16 36 माइनस बी, डेल वाई का वैल्यू ट्वाइस बी माइनस 72, डेल जेड का वैल्यू 36 माइनस बी। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ए का वैल्यू 8 और बी का वैल्यू 36 नहीं है तो डेल जीरो हो जाएगा और डेल एक्स नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। आगे चलें, तीसरे में आता हूं, अगर ए भी 8 है और बी भी 36 है तो डेल भी जीरो हो गया, डेल एक्स भी जीरो हो गया, डेल वाई भी जीरो हो गया और डेल जेड भी जीरो हो गया, और तब तुम्हारे पास इक्वेशन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, ट्वाइस एक्स प्लस फाइव वाई प्लस एट जेड इक्वल टू 36, x प्लस ट्वाइस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 14। तो इसका दो तरीका है, या तो अब इस वाले में तुम कुछ प्लस माइनस करके लाने का कोशिश करो कि तुम्हारे पास आ जाता है, मैंने कहा था वो अप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, नहीं तो हम एक काम कर सकते हैं कि पुट जेड इज इक्वल टू के, तो जेड को
के अगर पुट अप करोगे तो वन तुम्हें क्या देगा, x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स माइनस के, टू क्या देगा ट्वाइस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 माइनस 8 के, और सॉल्व निकालोगे तो x का वैल्यू k माइनस 2, y का वैल्यू 8 माइनस ट्वाइस के और z का वैल्यू k, पुट अप करके देखो तो 3 इंप्लाइज x के बदले k माइनस 2 प्लस 2, y के बदले 8 माइनस ट्वाइस के, z के बदले k इज इक्वल टू 14, तो 0 इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हेंस इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो खेला खत्म। तो मतलब क्या क्या मिला मुझे बोलोगे, अगर a 8 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मिला, अगर a 8 हो और b 36 हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला, अगर अगर a 8 और b 36 ना हो तो नो सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो इसे ध्यान से एक बार देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है। तो फिर इसे क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा सा 5 सेकंड दे रहा हूं, यहां तक लिख लो पॉज करके। हाँ, पहले यहां तक लिख लो पॉज करके, फिर मैं नीचे जा रहा हूं, 5 सेकंड में इसे भी लिख लो, 1 2 3, 5 सेकंड का मतलब मुझे रोक करके। हाँ, इसे भी लिख लो, इसका पीडीएफ मैं भी भेज दूंगा तुम लोग को। हाँ, इस चीज का चिंता नहीं करना है। चलो फिर आगे चल रहा हूं। मगर देखो यार, मैं फिर से कह रहा हूं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बाय इंस्पेक्शन भी काम आ जाता है। हाँ, बाय इंस्पेक्शन ऑब्जेक्टिव में अगर तुम देखोगे तो कई बार बाय इंस्पेक्शन भी तुम चीजों को देख के ही बता पाओगे कि अरे क्या हो रहा है, कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तुम बस सिस्टम को देखोगे और तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 5, ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 6, ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 10। अब तुम इसे सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व करो, मगर अगर तुम ध्यान से देखो, दिखा क्या, नंबर 1 और नंबर 3 दोनों एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है। अगर इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 एंड 3 रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन। तो इसका मतलब है जरूरी कि तुम्हारे पास 3 वेरिएबल में अब तुम्हारे पास क्या हो गया, ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 6। अल्टीमेटली केवल तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है और ये 2 नॉन पैरेलल प्लेन है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन है हर समय इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, 2 पैरेलल प्लेन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यू विल गेट, मगर ये नॉन पैरेलल प्लेन्स हैं, तो इसलिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो hence they are non-parallel plane, they are intersecting planes, तो it has infinite solution, क्योंकि वो तीसरे को तो satisfy करेगा ही। तो ये सब दो step, ठीक है, मुश्किल से 5 सेकंड नहीं लगेगा सम को solve करने में। जैसे ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर से as usual, 1 2 3 4 5, I am going to next screen. Find lambda and nu such that x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, and x plus 2y plus lambda z equal to nu has infinite solution. Has infinite solution. ठीक है, तो इसमें से एक चीज जो है, एक लैम्डा न्यू का वैल्यू तुम देख के ही बता कर सकते हो कि कब हो रहा है। ठीक है, मतलब सब ऑप्शन में दिया हुआ है कि तुम्हें और ज्यादा चिंता कर, लैम्डा न्यू नॉट इक्वल टू 10, तो अब इसे निकालने का जरूरत, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 न्यू इक्वल टू 10, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 3 और न्यू इक्वल टू 10, डी लैम्डा, ठीक है, बिलोंग्स टू आर माइनस 3। चलो
तो तुम देख के ही पता कर सकते हो कि अगर ये वाला वैल्यू डालोगे तो ये एक्स एक्स, ये दोनों को देख के ही पता चल रहा है ये टू टू, ये लैम्डा थ्री हो जाएगा न्यूटन, तो ये दोनों सेम प्लेन हो जाएगा। तो सी जैसे तुम पुटअप करोगे तो दे रिप्रेजेंट सेम प्लेन, तो बिकॉज दे रिप्रेजेंट सेम प्लेन तो इसका मतलब है केवल दो प्लेन नॉन पैरेलल प्लेन है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो तुमने तुमने देखा, मैंने बस इंस्पेक्शन से ही चीजों को निकाल के देख लिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो तो फिर ये होमोजीनियस का खेला है, नॉन होमोजीनियस का खेला है जो ऊपर था। अब मैं आ रहा हूं होमोजीनियस में, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, अब मैं आ रहा हूं होमोजीनियस इक्वेशन में, लास्ट टॉपिक होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो होता है। मतलब ये वो प्लेन्स होते हैं जो हर समय ओरिजिन से पास करते हैं, कांस्टेंट टर्म इसमें जीरो होता है। तो इसमें तो क्रैमर्स रूल लगाने का जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूशन जो है वो तो हर समय दिखता है, वो जीरो कामा जीरो कामा जीरो है। मर क्या केवल एक सॉल्यूशन ही होगा, मतलब इसमें नो सॉल्यूशन का केस आ ही नहीं सकता है। होमोजीनियस इक्वेशन में केवल दो ही पॉसिबिलिटी होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि तुम एक्चुअली में इक्वेशन तुम्हारे पास ए एक्स इक्वल टू जीरो था, तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये ए इनवर्स जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर कोफिशिएंट डिटरमिनेंट जब लोगे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। वही अगर डेल इक्वल टू जीरो होगा तो ये हर समय इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हो। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाला कैसे जाएगा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, वो जेड इज इक्वल टू के, सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू। इससे अब तुम्हें पुटअप करके देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ही ये हुआ कि तुम थर्ड वाले को फर्स्ट और सेकंड के टर्म में लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन में, डेल इक्वल टू जीरो। हाँ, अगर डेल इक्वल टू जीरो चेक नहीं करो तब डाल के देख लेना, वो बात अलग है, मगर अगर डेल इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये ठीक है, बाय डिफॉल्ट कंडीशन होता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में गिरेगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन में दो ही केस हो सकता है, एक होता है कि अगर डेल नॉट इक्वल टू जीरो है तब ये यूनिक सॉल्यूशन, और डेल इक्वल टू जीरो का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर एक सम कराने के बाद ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज इवनिंग तक तुम लोग को मैट्रिसेस का भी एक वो दे दूं। चलो मैं आगे चल रहा हूं। तो अगर मैं जैसे तुमसे पूछूंगा कि सॉल्व, मतलब सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है, नंबर वन 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई माइनस ट्वाइस जेड इक्वल टू जीरो, ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। क्या देख रहे हो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जीरो है तो केवल डेल का वैल्यू निकाल लो, थ्री वन टू माइनस फोर वन थ्री फाइव माइनस टू वन, पुटअप करके देखो ये 46 आता है जो जीरो नहीं है, तो इट हैज केवल यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो केवल होगा जीरो कॉमा जीरो। तो अच्छा सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसा है, ये ओरिजिन में है और ये तीन प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है और एक ये नीचे वाला प्लेन है, केवल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, जैसे तुम्हारा फ्लोर और दो कॉर्नर्स, हाँ वाल के दो कॉर्नर्स, वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकंड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, 3x plus 6y minus 5z equal to 0. यहाँ पे अगर डेल का वैल्यू निकालोगे तो 1, 1 minus 1, 1 minus 2, 1, 3, 6 minus 5, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब हो गया अगर डेल इक्वल टू 0 है then it has infinite solution. अब वो infinite solution कैसे निकालूं? अब वो infinite solution निकालने के लिए क्या करता हूँ? Put z is equal to k. कहाँ पे? 1, 2, 3. In 1 and 2. In 1 एंड 2. तो अगर पुट अप करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू के,
और x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस के, इनसे सॉल्व करके देखोगे तो x x का वैल्यू तुम्हारे पास k बाय थ्री आ जाता है, y का वैल्यू ट्वाइस k बाय थ्री आ जाता है, और z का वैल्यू के थर्ड इक्वेशन में डालने का जरूरत नहीं है। तो इसके जो इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे वो होंगे k बाय थ्री, ट्वाइस k बाय थ्री और k, k बिलोंग्स टू r, तो दिस विल गिव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। किसी को देखना है तो देख लो। तो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन हर समय कंसिस्टेंट होता है, होमोजीनियस इक्वेशन हर समय कंसिस्टेंट होता है। अब देखो हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। केवल जीरो जीरो, केवल जीरो 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 मिलने को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो हर समय होता है। और अगर के जीरो नहीं होता, अगर तुम्हें कुछ नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलता है, तो हम उसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, पहले पांच सेकंड दे रहा हूं, एक पांच सेकंड मतलब समझ में आया ना, पॉज कर लो और लिख लो। तो एक होमोजीनियस इक्वेशन जब तुम लिखते हो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री। अब देखो इसी को अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में करता तो मुझे एक्स पूरा दिन लग जाएगा इसमें। हाँ, तो इस वाले में देखो दो घंटे के अंदर ये टॉपिक मेरा हो गया। तो इससे क्या फायदा होता है कि देखो इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। इसलिए कंसिस्टेंट क्योंकि ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हर समय सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब केस दो था, अगर कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ओनली सॉल्यूशन मिलेगा वो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, और इसे तब हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन कहेगा फाइंड लैम्डा सच दैट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा तब जब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीनिंगलेस है। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वर्ड जो होता है वो केवल होमोजीनियस में लगता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है और उसके लिए कंडीशन था डेल इक्वल टू जीरो। कैसे निकाला जाता है अभी हम लोगों ने देखा था, जेड इज इक्वल टू के डाल के देखा जा सकता है। सब में कभी कभी तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, फिर पूछा जाएगा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड द सॉल्यूशन, तो दोनों ही काम करना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला, मैं पॉज ठीक है एक दो और लास्ट सम अभी का करवा देता हूँ एक बार। प्रॉब्लम फाइंड लैम्डा इफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट also find its solution, twice x plus 3y minus 2z equal to 0, twice x minus plus 3z equal to 0, 7x plus lambda y minus z equal to 0। डेल का वैल्यू अगर निकालोगे सम पर के देख लेना एक बार। देखो यहाँ पे मैं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि वो तो फिर तुम लोग रोक सकते हो। हाँ, इसको अगर तुम इसको रोक ठीक है खुद ही पॉज कर सकते हो, तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास आता है 57 माइनस 10 लैम्डा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब डेल का वैल्यू जीरो होगा, मतलब जब लैम्डा का वैल्यू 57 बाय 10 होगा। अब जब लैम्डा इज इक्वल टू 57 सॉल्व करने के लिए वैल्यू डालने का जरूरत नहीं, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व वन एंड टू, केवल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, क्योंकि वो तो तीसरे वाले को सेटिस्फाई करेगा ही। थ्री वाई इज इक्वल टू ट्वाइस के, मैंने जेड को के ले लिया है, ये वन से आ जाता है, वन से इस वाले से, और ये वाले तब क्या देगा, ट्वाइस एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्राइस के, जेड का वैल्यू अगर के ले लोगे तो इससे सॉल्यूशन निकाल के क्या निकल गया, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू जेड का वैल्यू मिल गया, इससे सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, तो हेंस वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं भेज देता हूँ तुम लोगों को, साथ में इसका ये अपलोड भी कर दूंगा अभी, और आज शाम को मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट। तो ये जो कुछ लोग ठीक है, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, मैं खुद ही लास्ट 10 दिन से मैं क्योंकि खुद ही डिमोरलाइज था, व्हाइट बोर्ड रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, चीजें आगे नहीं बढ़ रहा था, मगर ये इससे चीजें आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 जनवरी तक हो सकता है कि चीजें मैं फुल टेस्ट तुम लोग को देना शुरू कर दूं। चलो।